अस्सलाम वालेकुम, डॉली की किचन में वेलकम। तो आज हम बनाएंगे मसाला स्टू, तो बहुत टेस्टी बनता है मसाला स्टू। तो चलिए बनाते हैं मसाला स्टू। तो देख लेते हैं हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने लिया है 1 किलो बड़े का गोश्त लिया है हमने, तो ये हड्डी वाला गोश्त है हमारा। 1/2 किलो मैंने प्याज ली है, तो प्याज छोटी है हमारी। और हमने 100 ग्राम दही लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से लिया। 2 चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत, 1 चम्मच सौंफ ली है, 5 लाल मिर्च ली हैं और 10 से 15 मैंने हरी मिर्च ली हैं। और ये हमने 2 टुकड़े अदरक के हैं और लहसुन है। तो 2 दालचीनी के टुकड़े लिए मैंने, थोड़ा सा जायफल लिया है, 2 मोटी इलायची ली हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा है, 5 हरी इलायची हैं और थोड़ी सी लौंगें और काली मिर्ची और तेज़पत्ते के पत्ते। और हमने 1/2 चम्मच हल्दी ली है। तो मसालों को थोड़ा सा हमें सेकना है, ज़्यादा नहीं, हल्की सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। और बिल्कुल धीमी आंच पे सेकेंगे हम इसे, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। तो इसमें हमें गर्म मसाला और इसमें सूखी मिर्चें, सभी मसाले हमें इसी में मिलाने हैं सूखे। और इसे थोड़ा सा सेक लें हम। तो ये मसाला हमारा सेक चुका है, तो हम थोड़ा दर दरा पीसेंगे इसे। तो ये देखिए ऐसे पीसना है हमें, बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़ा दर दरा ही रखना है। हरी मिर्ची ली है हमने और 1 अदरक का पीस लिया है हमने, और लहसुन लिया है। तो लहसुन मैंने 10 से 12 कलियाँ ली हैं, तो इसे भी हमें दरदरा पीसना है, इसे हमें बारीक नहीं करना। तो चलिए कुकर में तेल डाल देते हैं। तो मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, तो स्टू में तेल ज़्यादा लगता है, तो तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो प्याज को हमें जब तक भूनना है, जब तक हमारे छल्ले एकदम खुल जाएं आपस में से। तो देखिए बस इतना ही करना है प्याज को, हमें ज़्यादा नहीं भूनना प्याज को, बस हमारा छल्ला अलग हो जाए प्याज से। तो चलिए इसमें गोश्त डाल देते हैं। तो गोश्त भी हमें थोड़ा सा तलना है, थोड़ा सा भूनेंगे गोश्त को हम। तो इसमें हम अदरक और तेज़पत्ते के पत्ते, हल्दी डाल देते हैं। तो इसे भी हमने थोड़ा सा भून लिया है। तो इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। तो ये हमने हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का बनाया था पेस्ट, वो भी इसमें ही ऐड करना है हमें। तो चलिए नमक डाल देते हैं, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और ये मसाला जो हमने अभी पीस के रखा था वो भी मिला देंगे। तो इसे अच्छी तरह भूनना है और दही भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी भी इसमें डालेंगे जिससे हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। तो हमने 5 से 6 सीटी ली थी, तो गोश्त गल गया था। तो आपका जैसे आपको गोश्त गले इतने ही गलाएं आप, जितना आपको चाहिए। तो इसे हमें खूब अच्छी तरह भूनना है। तो अभी अभी और भुनेगा सालन हमारा, तो गोश्त में से तेल अलग हो जाए, इतना भूनना है हमें। तो बहुत शानदार बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये भून चुका है हमारा सालन, ये देखिए आप खूब अच्छे से भून चुका है हमारा स्टू। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो देखिए हमारा स्टू बनके तैयार है, हमने 1 से 2 मिनट हमने पकाया था इसे। तो लीजिए बहुत शानदार सा मसाला स्टू हमारा बनके तैयार है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरे स्टू की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।